चलो, ये कौन सा रोड है केएमपी वाला, सीधा कहाँ जाएगा ये? मानेसर। मानेसर कितनी दूर पड़ेगा ये सोनीपत से? सोनीपत से तो पड़ जाएगा 120 के आसपास पड़ेगा। सोनीपत से 120 से पेट्रोल पंप भी ना 10-10 किलोमीटर की दूरी में है। अरे एक तो मैंने देखा वो 40 किलोमीटर आगे है यहाँ से। 40 किलोमीटर? हाँ 40 पेट्रोल पंप पे। तो इस बीच में किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो ये कहाँ चढ़ा हुआ है देखे। नहीं अगर ऐसे बीच में किसी की पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या करे वो बेचारा? कुछ मत करो, खाली बैठे रहो, पेट्रोल लेके आओ अपना जाके 40 किलोमीटर। यहाँ है ही नहीं कोई पेट्रोल को। 40 किलोमीटर दूरी में अधिहारा 10 किलोमीटर। देख बच्चे डिक्की में बिठा रखे, देख बच्चे डिक्की में बिठा रखे। छोटे छोटे बच्चे कैसे देख रहे, डिक्की में क्यों बिठाए ये? आगे आगे जगह नहीं है ना। हाँ आगे लेडीज लेडीज बैठी हुई थी गाड़ी में। देखो बारिश का मौसम हो गया मम्मी। हाँ मौसम चेंज हो गया। हाँ मौसम चेंज हो गया। दिखाओ साइड का, दिखा। हवा चल रही है। लोग कह रहे हैं जितने 14 तारीख में किसान दिल्ली में आएंगे ट्रैक्टर ले गए। सुनी तो थी मैंने 14 फरवरी को। ठीक है भैया जी, आप थोड़ी बैठने दे मोदी ने। जब आंदोलन हुआ था जब भी इसी टाइम ही आए थे फरवरी में। जब जनवरी में? हाँ 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 जब इसी टाइम आए थे। अब देखो कितना सा व्यू आ गया, देख ये देखो बिल्कुल ग्रीन। अब तो सर तू समझ ले, तू आ रहा है मसूरी में। मसूरी कितना अच्छा व्यू देखना। हाँ मसूरी थोड़ी लग रहा, मसूरी में तो पहाड़ पूड़ हुआ है। तो यार ये मसूरी ऐसा भी हो सकता है ना, ये वैसे अच्छा व्यू है पहाड़ी है और क्या देखना। बिल्कुल खुला खुला दिख रहा है। मैं तो आज पहली बार आया हूँ तो इस रास्ते में। अच्छा ये जो बहादुरगढ़ जाता था उस साइड नहीं मुड़े? ना ना हो गया रास्ता, ये दूसरा रास्ता हो गया। उस कट से आगे अभी पहली बार आए? हाँ उस कट से आगे। लो आगे से दिखा देता, कितना अच्छा व्यू आ रखा है। योर फैमिली इज वेटिंग फॉर यू। तीन ट्रक साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ के लिखा गया है ये भी। हाँ बिल्कुल सही लिखा गया है। क्या लिखा है? फैमिली इज वेटिंग फॉर यू, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। पुलिस हेल्पलाइन 112 नंबर। ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। अब कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम गुड़गांव? आप पहुंच जाएंगे 45 मिनट। वो कितनी देर होगी हमें चले हुए? हमें 45 मिनट, मतलब ये 1.5 घंटा लगता है पूरा, है ना? आधा टाइम बीत गया था। हाँ सोनीपत से गुड़गांव 1.5 घंटे ही मान लो। हाँ सोनीपत से गुड़गांव 1.5 घंटा। करा दिल्ली में पधारने का आपका धन्यवाद। मतलब आप हरियाणा शुरू हो गए? हाँ ये आ गया बॉर्डर। अच्छा यहाँ गुड़गांव आ गया? हाँ ये गुड़गांव आ गया। एंट्री हो गई गुड़गांव में। हाँ गुड़गांव ये नाला है नीचे, ये सोसाइटी आ गई M3M की। ये चीज गलत बनाई नाले के बिल्कुल साइड में, बस इनको जगह यही मिली बेटे नाले के सामने ही है बिल्कुल। टेक द नेक्स्ट राइट देन टर्न लेफ्ट। अच्छा उधर दिल्ली लिखा हुआ था, इधर गुड़गांव लिखा हुआ है। और भरी पड़ी होंगी आपस सोसाइटी? नहीं बहुत खाली है बेटे। इस बोर्ड पे ना देखो इधर, लेकिन यहां से राइट ले लीजिए गाड़ी आई है। हां इस बोर्ड पे तो गुड़गांव लिखा हुआ है। तो गुड़गांव ही तो आ गया हमें, इस सोसाइटी में जाना है। यहाँ ले बेटा इधर ले, वो पूछ रहा है कहाँ जाओगे। अब यहाँ से इधर ले ले बेटा, ये सोसाइटी से भी था M3M है, दिखा दे। ये लग्जरी है? हाँ ये लग्जरी है, इसका तो रेट वही है 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं है, 1.5 है, 1.5 3 BHK। हाँ 3 का खुले खुले भी हैं वैसे तो। पार कर दे सी लगी।